हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहां कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। तो दोस्तों, जो मेरे पास 10 डबल एफजी की मुर्गियां आई थी, 10 महीने की थी, अब वो रेगुलर अंडे देना स्टार्ट कर दिए। वो जब आई थी वो बिल्कुल ही अंडे नहीं दे रही थी, यानी कि 2-3 दिन में मुझे एक अंडा इन 10 मुर्गियों से मिल रहा था। तो कहाँ से ये मुर्गियां आई और इनको मैंने कौन कौन सा फीड दिया, कौन सी मेडिसिन दी, सभी कुछ हमने पिछले वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद में वहां पर मैंने जो जो बातें बात बताई हैं, आप वहां से समझ जाओगे कि क्या क्या उनको फीड देना है यदि आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही हैं, कौन सा फीड देना है, किस तरह का फीड देना है और कौन सी मेडिसिन देना है, सभी कुछ मैंने उस वीडियो में शामिल किया है। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो 10 टेबल एफजी की मुर्गियां हैं वो रेगुलर अब कितने अंडे देना स्टार्ट कर दी है और ये कितने अंडे तक देती हैं। तो आपको जो मैं एवरेज बताऊंगा उससे आप समझ जाओगे कि जो डबल एफजी की अगर ब्रीड के अंडे के लिए आप रखते हो तो वो आपको डेली कितने परसेंटेज में अंडा दे सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जो मेरे 10 डबल एफजी की मुर्गियाँ हैं तो ये कम से कम 10 महीने के आसपास की हैं, ठीक है। और जबकि 5-5.5 महीने में ये डबल एफजी मुर्गियां, अगर इनको सही फीड और मेडिसिन मिलती है तो 5-5.5 महीने में ये रेगुलर अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। बट मैंने आपको बताया कि जिनके पास ये मुर्गियां थीं वो सही से फीड भी नहीं देते थे और मेडिसिन भी बिल्कुल ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही अंडे नहीं दे रही थी और इसलिए उनको सेल करना चाहते थे। तो वो मैं उनसे ले लिया था मैंने और उनको अच्छे से फीड दिया और मेडिसिन दिया, सभी कुछ मैंने उस वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो में जरूर जा करके देख लीजिएगा। अगर आप उन मुर्गियों को, आपकी कोई भी देसी मुर्गियां हैं, उनको सही फीड और सही मेडिसिन देते हो तो वो रेगुलर अंडे जरूर देंगी। चूंकि ये 10 महीने की मुर्गियां हैं तो इनसे मुझे रेगुलर अंडे मिलने चाहिए थे बट नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इनको अच्छे से फीड दिया और मेडिसिन दिया, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो यहाँ पर उस समय में जब वीडियो हमने बनाया था तो उस दिन भी 2 अंडे मिले थे, उसके बाद में भी 2 अंडे मिले थे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने रेगुलर अंडे देना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, 27 और 28 को जब वीडियो बनाया था तो उस दिन हमने बताया था कि 27 को भी 2 अंडे मिले थे और 28 को भी 2 अंडे मिले थे। 29 तारीख को मुझे 6 अंडे मिले थे, ठीक है। 29 के बाद में 30 तारीख को भी मुझे 5 अंडे मिले थे और 30 के बाद में आता 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को मुझे मिले थे 6 अंडे, ठीक है, 6 एक मिले थे। 2 जुलाई को मुझे 4 अंडे मिले थे और उसके बाद में 3 जुलाई को मुझे 7 अंडे मिले थे। यहाँ पर हो सकता है एक अंडा, दो अंडा या फिर आगे पीछे इस वजह से हो जाता है कि जहाँ पर मुर्गियाँ अंडे देती हैं थोड़ा भूसा वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कभी कभी वो छिप जाता है। तो जब मैंने उसको हटा करके वहां से देखा तो मुझे यहाँ पर 2 अंडे मिले थे। अब वो एक दिन के पहले के भी हो सकते हैं या फिर सेम डे के भी हो सकते थे। और आज 4 तारीख है तो आज मुझे मिले हुए हैं 4 अंडे, ठीक, सॉरी। तो दोस्तों, आज 4 तारीख है और आज मुझे मिले हैं 5 अंडे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो बर्ड है वो मुझे रेगुलर अंडे दे रही है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर फीड की बात करें तो हम इनको देते हैं मक्का और प्लस थोड़ा सा ब्रॉयलर स्टार्टर, ठीक है। यदि हम इनको लेयर फीड दें तो ये और भी ज्यादा अंडे हमें मिलेंगे इनसे, जो कि अभी 50-60% अंडे हमको मिल रहे हैं डबल एफजी की 10 मुर्गियों से, ठीक है। तो ये आगे आपका बढ़कर के 70-80 तक पहुंच जाएगा, बट इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा डबल एफजी की मुर्गियां अंडे देती होंगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमें 50-60% अंडे हमें इन मुर्गियों से मिल रहे हैं। यदि इनका हम फीड जब चेंज करेंगे, ठीक, इनको हम लेयर फीड देंगे और कोई अन्य मेडिसिन देंगे अंडे देने वाली जो मुर्गियों को दी जाती हैं, तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको इनकी इन्फॉर्मेशन देता रहूं कि अभी ये कितने दिन तक ऐसे रेगुलर अंडे देती हैं, इसके बाद में फिर इनका जो अंडे का प्रोडक्शन है वो कम होता है और कब कब बढ़ता है। तो जब आगे कभी भी इनका प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, इनका प्रोडक्शन या ज्यादा होगा, तो फिर आप लोगों को नई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। यदि आपका अब भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।